So shall we start? Yes, certainly. So on the occasion of Teachers' Day, I welcome all my dear colleagues and respected Sir Dr. Sharma to our small Teachers' Day celebration. And indeed, it's a different way today because we are on live, on a virtual platform. So this celebration is indeed very special. I'll ask Professor Geeta to please continue. Thank you, ma'am. Good afternoon, everybody, respected Principal Ma'am, Professor H.D. Sharma, and all my dear colleagues from Postgraduate Department and all other departments of M.D. Shah Mahila College. I welcome all the teachers and the students here on this day today. Today is an auspicious occasion where we get a chance to acknowledge the hard work of the teachers who mold the students into future leaders. This day is known as Teachers' Day since 1962, which is celebrated as the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Sir was the second president of India. He was a teacher, he was a philosopher, and an educationist. Teachers are the pillars of a country. They guide and shape the destiny of the students. They teach them to become better human beings. Teachers are not only present in schools, but they are everywhere around us. Everything teaches us something or the other. Life is the greatest teacher itself. It teaches us the art of survival. Parents are our prime most teachers. Our friends, nature, animals, experience, our mistakes, and everything around us is a big teacher. Today is the day to honor all of them, and I take the privilege in wishing all our mentors of life. Teaching is actually a way of life. It is not just a profession. I hope we all agree. And we are really fortunate to be in this profession. And I hand over further to Dr. Deepa Sharma, the dynamic lady, the principal of M.D. Shah Mahila College, who is always there, and her charming face is a big inspiration. नमस्कार आदरणीय प्रोफेसर शर्मा जी हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में जितने भी अध्यापक हैं डॉक्टर मेरू प्रभा डॉक्टर अरुण मिश्रा विद्या मैडम जयश्री मैडम स्मिता त्रिपाठी चंपा मासीवाल हमारी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जितेंद्र तिवारी सर पत्रा सर एकता मैडम प्रज्ञा मैडम महेंद्र सर मैं नाम भी पढ़ रही हूँ बहुत सारे लोगों के नाम है सो और प्रिय छात्राओं कितनी सारी स्टूडेंट्स है आई कैन सी नूर रंजना अंकिता अनिता यादव स्वाति झा दुर्गा सिंह सो मेनी इतने सारे बच्चे इतने सारे टीचर्स और हम सब के जो साथ हैं प्रोफेसर एच डी शर्मा सर आप सबका इस प्रोग्राम में मैं स्वागत करती हूँ और जैसे कि बता रही थी हमारी विद्या मैडम भी और ये जयश मैडम भी कि गीता मैडम की टीचर्स डे के बारे में सो मुझे तो उस बारे में मैं नहीं बात करती हूँ क्योंकि सबको मालूम है 5th September होता है और हम लोग खाली अपने टीचर्स गुरुजन जो कॉलेज में पढ़ाते हैं स्कूल में पढ़ाते हैं उनको फोन करते हैं या मैसेज भेजते हैं लेकिन हमारे अपने घरों में हमारे अपने पेरेंट्स हैं हमारे बच्चे हैं जो हमारे लिए एक अच्छे शिक्षक हैं क्योंकि बच्चे जो सिखाते हैं वो तो कोई नहीं सिखा सकता बच्चे जो पेरेंट्स को सिखाते हैं तो वो लेकिन सब लोग हमारे शिक्षक हैं तो आज का दिन है कि इन सबको से को हम इनका अभिवादन करें और जो आज के दिन हमें एक अच्छे कोई वक्ता अगर हमारे पास होते हैं तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चों को कुछ उनसे मिले
और बच्चों तुमको इनसे आज जो हमारे मेहमान हैं उनसे अच्छा आपको कोई वक्ता मिल नहीं सकता। मैं उनका बायोडाटा पढ़ रही थी तो मैंने अभी सर को बोला जब तक आप लोग ज्वाइन नहीं हुए थे कि क्या एक लाइफ टाइम में, क्या एक जिंदगी में इतना काम करना पॉसिबल है। लेकिन सर ने बताया है उनके बायोडाटा से कि जरूर पॉसिबल है। तो अगर उनकी डिटेल उनका इंट्रोडक्शन तो मेरु प्रभा मैडम देंगी, लेकिन सिर्फ मोटे तौर पे बताऊं तो साहित्य अकादमी बोले तो प्रेसिडेंट्स अवार्ड बोले, उनको मेडल्स कितने मिले, उनकी क्वालिफिकेशंस कितने हैं, रिसर्च पब्लिकेशंस बोलो, यूजीसी में वो एक्सपर्ट कमिटी में रह चुके हैं, आईसीएसआर आईसीसीआर के एक्सपर्ट कमिटी में रह चुके हैं, जर्मन, रशियन, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, बताइए इस तरह की भाषाओं पे उनका पूरा प्रभुत्व है। सो इतने मतलब किधर रशियन और किधर संस्कृत, मगर पता नहीं कैसे कंफ्यूज नहीं होते हम लोग में से, ज्यादातर लोग हिंदी और इंग्लिश में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं जरूर इसमें, ऐसे कहा भी जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट में कि जितनी भाषाएं आप जानते हैं इसका मतलब है आप उतने ही इंटेलिजेंट हैं। तो ये तो सर का इतना सारा काम भी बोल रहा है, कितनी उनकी बुक्स हैं, कितने कॉन्फ्रेंसेस, कितने सब, लेकिन इन सब के बावजूद एक फोन कॉल, एक मैसेज में के साथ वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट को अपना एक अपनी बात बोलने के लिए। मैं सर आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने अपने समय, आपने अपना समय हमारे लिए निकाला, तो आपका बहुत, मैं बहुत आभारी हूँ। और मेरे को एक थोड़ा ये है तो हम लोग सिर्फ वर्चुअल मीटिंग कर पा रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि जब ये सब हो जाए, खत्म हो जाए और हम निकल जाए तो आप हमारे कॉलेज में आइए, हमारे बच्चों से सामने मिलिए, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे, उनको भी सीखने को मिलेगा। और उस दिन मैं जरूर अपने प्रेसिडेंट को बोलूंगी कि सर आप जरूर आइए, वो आएंगे, उनको बहुत अच्छा लगता है इतने ज्ञानी पर्सन से मिलना। तो सर आज के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स आप सबको मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी कि ये आपके दिन है एक्चुअली वेकेशन के, काम के दिन तो बाद में शुरू होंगे, ये जो है ना जो पढ़ाई है वो वेकेशन है, जहाँ पे आपके टीचर्स आपके पीछे बोलती है पढ़ो, बाद में जब आप नौकरी पे जाते हो कोई नहीं बोलता आपको काम करो, करो तो अच्छा, नहीं करो तो कल निकाल देंगे। तो इस टाइम को अच्छे से इस्तेमाल करो, सीखो और इंजॉय भी करो। कॉलेज में तो हमने बहुत सारा ऐसे जगह रखी है जहाँ पे आप इंजॉय करो, क्योंकि कॉलेज इंजॉयमेंट की एक जगह है और जिसमें आप एडल्ट सुपरविजन भी रहता है मगर आपको फ्रीडम भी मिलता है, वो सब भी करो और सीखो, आगे बढ़ो, ऐसी मैं आपसे आशा रखती हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your kind words. Now I request Dr. Meru Prabha, ma'am, to introduce Professor H.D. Sharma, our distinguished chief guest today. Thank you, ma'am. Ma'am, unmute. Meru, ma'am, unmute, please. Yes. सबसे पहले मैं यहाँ पर अभी सभी उपस्थित शिक्षक वृंद को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मैं आदरणीय प्रोफेसर शर्मा सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने व्यस्त समय से, सिर्फ दो दिन पहले मैंने सर से रिक्वेस्ट की थी और सर ने कहा कि ठीक है मैं थोड़ी देर के लिए आ जाता हूँ। तो सर आपका बहुत स्वागत है और यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आदरणीय दीपा मैडम जी, हमारी कोऑर्डिनेटर विद्या मैडम जी और मिश्रा सर, गुहा सर, गीता भाटिया मैम और हमारे सारे कुलीग, सारी टीचर्स लोग, सबका आज हम यहाँ जिन आचार्य को सुनने के लिए उत्सुकता पूर्वक एकत्रित हुए हैं वे संस्कृत साहित्याकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र, संस्कृत के महान कवि, विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार, लेखक, चिंतक, विचारक आचार्य डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी आज यहाँ पर हम सभी के मध्य उपस्थित हैं। आपका बायोडाटा अत्यंत विस्तृत है, उसमें से कुछ मुख्य मुख्य बिंदुओं पर मैं प्रकाश डाल रही हूँ।
आप इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त संस्कृत विभागाध्यक्ष हैं और भारत सरकार के द्वारा आपको विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में शिल्पकॉन यूनिवर्सिटी बैंकॉक थाईलैंड में नियुक्त किए जा चुके हैं। वहां पर भी आपने अपनी अप्रतिम सेवाएं दी हैं। साथ ही आपने 17 देशों में अपनी लेखनी एवं वक्तव्य का परिचय दिया है। आपने जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, थाईलैंड, स्कॉटलैंड, जापान, मलेशिया, कनाडा आदि देशों में शैक्षणिक यात्राएं की हैं। सर को जर्मन, रशियन, हिंदी भाषाओं में महारत हासिल है। आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय, शिल्पकॉन विश्वविद्यालय थाईलैंड सहित 44 इयर्स का शिक्षण कार्य का अनुभव है। आपके मार्गदर्शन में 29 शोधार्थियों ने शोध कार्य संपन्न किए हैं। आपकी लेखनी से 15 सर्जनात्मक एवं आलोचनात्मक पुस्तकों का निर्माण हुआ है। आपकी एक आलोचनात्मक पुस्तक ग्लिम्पसेस ऑफ संस्कृत पोएटिक्स एंड पोएट्री बहुत सराही गई है। आपकी 16 पुस्तकों की साहित्य समीक्षाएं भी प्रस्तुत हुई हैं। इसके अतिरिक्त आपके 80 शोध पत्रों का संपादन हो चुका है। सर ने 30 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में 20 राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों में अपनी सक्रिय भागीदारी दी है और 92 राष्ट्रीय संगोष्ठियों को सुशोभित किया है। आप अनेक ख्याति प्राप्त लब्ध प्रतिष्ठित संस्थाओं के अध्यक्ष पद पर भी शोभायमान रह चुके हैं। आप अनेक बार अखिल भारतीय संस्थाओं के सदस्य भी रहे हैं, यथा मेंबर ऑफ एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 यूनिवर्सिटीज, यूजीसी एक्सपर्ट, यूजीसी मेंबर, आईसीसीआर एक्सपर्ट। और सर की कई पुस्तकें अपने एसएनडीटी में भी, अभी सर की कुछ पुस्तकों पे को सिलेबस में शामिल किया गया है। इसके साथ साथ 5 विश्वविद्यालयों में सर की पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है एवं 10 से अधिक विश्वविद्यालयों में सर द्वारा लिखित पुस्तकों पर विभिन्न शोधार्थियों द्वारा शोध कार्य किया जा रहा है। सर को अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में मैं बताऊंगी क्योंकि सर का बहुत लंबा बायोडाटा है, तो मैं कुछ मुख्य मुख्य उनका पुरस्कारों का वर्णन कर रही हूँ। सर की एक पुस्तक है लास्य लतिका, 2007 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और एक और पुस्तक है अकरनंदनम नामक पुस्तक को दिल्ली संस्कृत अकादमी पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से 5 पुस्तकों पर सर को विशिष्ट पुरस्कार, जिसको व्यास पुरस्कार सम्मान से संबोधित किया जाता है, सर को वो भी दिया गया है। आपको 2015 में भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा प्रेसिडेंट्स सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर 2015 से भी सम्मानित किया गया है। ऐसे आचार्य, गुरु एवं शिक्षक की मैं हृदय से अत्यंत ऋणी हूँ कि उन्होंने बहुत कम समय में भी हमें अपना थोड़ा अमूल्य बहुमूल्य समय निकाल कर अनुग्रहित किया है। सर आपका हृदय से स्वागत है। सर अब आपसे अनुरोध है कि आप अपना वक्तव्य कुछ हमारे बच्चों को बताएं, शिक्षा, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के विषय में। जी स्वागत है सर। अब मेरा स्वर आ रहा है, आवाज आ रही है? आ रही है। ठीक है जी। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज शिक्षक दिवस है और गुरु को नमस्कार करने वाला दिवस है। वस्तुतः जिस महान विभूति का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, वे
सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, वे मूलतः और स्थायी रूप से शिक्षक रहे। वे शिक्षक थे, शिक्षा शास्त्री थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, महान चिंतक थे, लंबे समय तक कुलपति थे, देश के प्रशासक थे, उपराष्ट्रपति थे और अंततोगत्वा राष्ट्रपति थे। ऐसे पर एक मूल तत्व जो शिक्षक वाला, वो आजीवन उनके साथ रहा। बहुत लिखा उन्होंने, बहुत चिंतन किया है और उच्च कोटि के दार्शनिक ग्रंथ लिखे हैं। और वे केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही, राष्ट्रपति अवश्य रहे, उस बड़े शिक्षक होने के नाते ही रहे, पर उनका जो मूल तत्व था वो शिक्षक तत्व, शिक्षा को उन्होंने बहुत उन्नयन की ओर ले गए। इसीलिए उनके जन्म दिवस को पूरे राष्ट्र में शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया जाता है। तो हम सब, ये आपसे बात हुई थी कि कौन सा विषय होना चाहिए, आज के दिन का तो एक ही विषय है शिक्षा, और शिक्षा के दो ही स्तंभ हैं, या तो जो अध्यापन कराने वाले शिक्षक हैं, शिक्षा देने वाले, और एक शिक्षा को ग्रहण करने वाले। इसलिए आपसे विमर्श करने के पश्चात शिक्षा, शिक्षक एवं शिक्षार्थी, आज के इस वक्तव्य का यह विषय निर्धारित किया गया। शिक्षा संस्कार की जननी है। शिक्षा आत्मा में प्रकाश करती है, अज्ञान का विनाश करती है और बुद्धि का विकास करती है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, वह हमें अंधकार से आलोक की ओर, प्रकाश की ओर ले जाती है। शिक्षा संस्कृति का सर्वोत्तम उपादान है। शिक्षा की गुणवत्ता सांस्कृतिक मूल्यों की उत्कृष्टता पर आधारित होती है। भारत के संदर्भ में शिक्षा का स्वरूप भारतीय संस्कृति एवं भारतीय जीवन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में ही प्रतिष्ठित होता है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करती है। ईशावास्योपनिषद में कहा गया है, अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते, अर्थात अविद्या से मनुष्य मृत्यु को पार करके और विद्या से अमृतत्व को प्राप्त करता है। मानव को अपार प्राणियों एवं पशु पक्षियों से पृथक करने वाला तत्व भी विद्या ही है। अग्नि पुराण में कहा गया है, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, अर्थात एक तो मनुष्य जीवन प्राप्त करना ही बड़ा कठिन है, जाने कितनी लाख 84 लाख योनियों को कहीं पार करके उनके बाद बड़ी सौभाग्य से ये मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन भी मिल जाए तो उससे भी अधिक कठिन है विद्या प्राप्त करना। विद्या तत्व सुदुर्लभा, अर्थात किसी को मनुष्य जीवन तो मिल जाए, विद्या नहीं मिले तो बेकार। इसलिए विद्या प्राप्त करना और अधिक दुर्लभ है। इसलिए भारतीय संस्कृति में शिक्षा का संबंध आश्रम व्यवस्था एवं संस्कार पद्धति से है। ये भारतीय संस्कृति के दो मूल तत्व हैं, आश्रम व्यवस्था और भारतीय संस्कार, इनका सीधा संबंध शिक्षा से। आश्रमों में प्रथम आश्रम
ब्रह्मचर्य आश्रम विद्याध्ययन एवं शिक्षा ग्रहण से संबद्ध है। यह मानव जीवन की प्रभात वेला है। इस काल में सुकुमार मत बालकों की निर्मल निर्दोष बुद्धि में जो कुछ भी प्रविष्ट कराया जाता है वह अनायास ही ग्राह्य हो जाता है। कच्ची बुद्धि होती है सुकुमार मत। सादा सरल जीवन, ब्रह्मचर्य व्रत पालन की अनिवार्यता के साथ यह इस प्रथम आश्रम का शैक्षिक जीवन चलता है। विद्यारंभ संस्कार एवं उपनयन संस्कार के द्वारा शिष्य गुरु से विद्याध्ययन करता है। उपनयन संस्कार द्वारा शिष्य गुरु के समीप अर्थात गुरु के सान्निध्य में शिक्षा ग्रहण करता हुआ अंतेवासी कहलाता है, जिसको अंग्रेज में कहते हैं इनमेट। अंतेवासी अर्थात गुरु के बिल्कुल अंत समीप में रहने वाला। आश्रम में रहकर ही शिक्षा ग्रहण की जाती थी। बड़े से बड़े राजा और सामंत आदि के बालकों को भी विद्या प्राप्ति हेतु आश्रम में ही रहना पड़ता था। इन आचार्यों में भी जो महत्तम आचार्य बड़े सबसे बड़े आचार्य होते थे वे कुलपति कहलाते थे। जो वैसा अध्यापक तो अनेक थे लेकिन एक कुलपति उसकी पदवी क्या थी, अर्थात जो 10,000 विद्यार्थियों को रहने खाने पीने खाने पीने की व्यवस्था सहित उन्हें शिक्षा देने की व्यवस्था करता है वो कुलपति कहलाता। मैंने कम से कम 10,000 विद्यार्थी पढ़ते हों और वहीं रहते हैं उनके खाने पीने रहने की भी व्यवस्था हो, ऐसा जो सर्वोच्च आचार्य होता था वो कुलपति कहलाता। वो शब्द वहीं से आया है जो आज वाइस चांसलर के लिए शब्द उपयुक्त होता है। कहा गया है मुनि नाम 10,000 योन्न पानाद पोषणात् अध्यापयत विप्रर्षि रसौ कुलपति स्मृतः। यही कुलपति की परिभाषा है। 10,000 विद्यार्थी कक्षाओं पढ़ते हों तो इसीलिए यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है उसमें विद्यार्थी वहीं रहने चाहिए। उसी जो यही कुल माने जो कुल परंपरा है विद्याध्ययन की शिक्षा प्राप्त करने की, इस कुल परंपरा के अंतर्गत यही माना जाता है कि उसी परिसर में रहकर विद्या प्राप्त करना। शिक्षादाता गुरु को आचार्य इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह विद्यार्थी में आचार ग्रहण कराता। आचार आचार्य ये दोनों शब्द एक ही मूल से बने हैं। सदाचार की शिक्षा देता था, वह छात्र में बुद्धि का भी विकास करता था। आचार्य शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए यास्क द्वारा निरुक्त में कहा गया, एक वेदांग का ग्रंथ है निरुक्त जिसमें प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति दी गई है, उसमें आचार्य शब्द की व्युत्पत्ति देते हुए कहा गया है आचार्य कस्मात। भाई आचार्य किसे किसको कहते हैं आचार्य, कहते हैं आचार्य आचारम ग्राहयति। आचार्य वो है जो आचार ग्रहण कर विद्यार्थी में आचार ग्रहण करवाता है। और आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिम इति वा, या जो विद्यार्थियों में पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करवाता है कराता है और जो उसकी बुद्धि का भी विकास करता है। तो इसलिए आचार्य वो है जो समग्र व्यक्तित्व का विकास कराए। इसलिए आचार्य क्या का स्वरूप केवल पुस्तक पढ़ाने मात्र नहीं, समग्र पूरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अथर्ववेद में आचार्य को यम वरुण और सोम कहा गया है। आचार्यो मृत्युर वरुण सोम
ओषधय पय आचार्य अनुशासन धारक होने के कारण यम है, मैंने कठोर अनुशासन होना चाहिए इसलिए वो यम है। न्यायाचरण के कारण वह वरुण है और छात्राहलादक एवं शील संपन्न होने के कारण वह सोम है। ये भारतीय पद्धति है। तैत्तिरीय उपनिषद में गुरु एवं शिष्य के संबंध सामंजस्य के विषय में कहा गया है, आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं समझ लें, एक पूर्व एक पश्चिम, आचार्य एक और आचार्य दूसरे अंतेवासी है, दो यूनिट हैं बस शिक्षा की। आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम, विद्या संधि जोड़ने वाले दोनों को क्या है, विद्या ये संधि और प्रवचनम संधानम। और जो अध्यापक क्या करता है, प्रवचन, प्रवचन माने जो लेक्चर देता है, जो मैं अभी प्रवचन ही कर रहा हूँ, इससे विद्यार्थी भी सामने बैठे हैं हमारे, शायद मैं भूल गया विद्यार्थियों को संबोधित नहीं कर पाया, कोई कोई दिखा नहीं था, तो विद्यार्थियों को भी मैं संबोधित करते हुए कह रहा हूँ कि आप ही दूसरे तत्व हैं जिनके कारण शिक्षक का अस्तित्व होता है। तैत्तिरीय उपनिषद में ही समावर्तन संस्कार के अंतर्गत शिक्षा समाप्ति के पश्चात आचार्य द्वारा विद्यार्थी से अनुशासन के रूप में एक बड़ी व्यावहारिक बात कही जाती थी। जब विद्यार्थी जाता था, जैसे आज के युग में वो होता है विद्यार्थियों का, उसी तरह से उस समय भी संस्कार होता था जब विद्या समाप्त हो जाती थी, तो उस समय कहा गया, कहता था अनुशासन के लिए आचार्य कि भाई तुम अब नए जीवन में प्रवेश कर रहे हो, हमारी एक बात है, यानि अस्माकं सुचरितानि तान त्वयोपास्यानि नो इतराणि। भाई बहुत प्रैक्टिकल बात कि भाई हो सकता है मनुष्य हैं, हमारे अंदर बहुत से गुण हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत से अवगुण भी हो सकते हैं, हमारे कोई असत्कर्म भी हो सकते हैं, तो हम तुमसे ये कहेंगे कि आगे के जीवन में जो हमारे सत्कर्म हों, अच्छे सच्चरित हों, बस तुम उन्हीं का अनुकरण करना, अन्य माने हमारे अनुचित आचरणों का अनुकरण मत करना। बहुत बड़ी प्रैक्टिकल बात है, इसमें अपनी बात को स्वीकार भी किया गया कि भाई हो सकता है कि हम ही कहीं किसी पक्ष पर गलत हों, तो ध्यान रखना हमारी गलत बात को मत सीखना, हमसे लेना तो अच्छी वाली शिक्षा लेना। तो शिष्य गुरु से विद्या की प्राप्ति कैसे करता है, इस विषय में एक समुचित उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मनुस्मृति में कहा गया है कि जैसे मनुष्य फावड़े से भूमि को खोदता हुआ जल को प्राप्त कर लेता है, वैसे ही शिष्य अपनी सेवा से गुरु में विद्यमान विद्या को प्राप्त कर लेता है। इतना अच्छा उदाहरण है, कृषि का उदाहरण है, यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्याम शुश्रूषु अधिगच्छति। वो शुश्रूषा करने वाला, जो सुनने की इच्छा करने वाले, इसलिए शिष्य के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, जो शुश्रूष वो माने जो गुरु कहे उसको सुनने की इच्छा जिसके अंदर हो, ये मनु तो ये मनुस्मृति का कथन है। गुरु की महत्ता बताते हुए वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि पुरुष के शरीर को उत्पन्न करने के कारण तो पिता गुरु है, और उसके उसको प्रज्ञा देने के कारण, ज्ञान देने के कारण, बुद्धि विकास करने के कारण आचार्य गुरु है। पिता हेवम जनयति पुरुषम पुरुषर्षभ प्रज्ञाम ददात चाचार्यस तस्मात् स गुरु रुच्यते। आचार्य को इसलिए गुरु कहा जाता है कि वह प्रज्ञा देता है। महाभारत में कहा गया है कि गुरु रूपी तीर्थ से
परम ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए उस गुरु से बढ़कर दुनिया में कोई तीर्थ नहीं। गुरु तीर्थम परम ज्ञानम अतस तीर्थम न विद्यते, महाभारत का कथन। उत्तम शिक्षक कौन होता है इसका विवेचन कवि कुल गुरु ये कालिदास, कालिदास के लिए देखिए गुरु, गुरु माने श्रेष्ठ, जो भारी हो। कालिदास की पदवी बन गई कवि कुल गुरु, कवियों के समूहों में श्रेष्ठ। तो कवि कुल गुरु कालिदास ने अपने नाटक मालविकाग्नि मित्र में दो नाट्याचार्यों के विवाद के संदर्भ में किया है। अर्थात शिक्षक कैसा होता है, बहुत अच्छी। दो नाट्याचार्य हैं गणदास और हरदत्त, वो अपने अपने संगीत के शिक्षक हैं और संगीत की का प्रदर्शन कर रहे हैं राजा के सामने, अग्निमित्र के सामने, और वहाँ पर बैठी हुई हैं एक जज बन करके, एक परिव्राजिका उन दोनों क्या न्यायाधिकारिणी बनकर बैठी हैं कि भाई देखते हैं आज कौन बढ़िया, कौन अच्छा अध्यापक है। तो वो जो है उस प्रसंग में कालिदास ने एक कहा है, शिक्षक के गुणों को बताया है। अच्छा शिक्षक कौन होता है, हम सब शिक्षकों को जानने की आवश्यकता है कि कहते हैं, वो कहते हैं दो प्रकार के लोग होते हैं शिक्षक। कुछ शिक्षक तो ऐसे होते हैं जिनमें शिक्षण गुण अपने तक सीमित होता है, अर्थात ज्ञान तो है परंतु ज्ञान की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं है, उसका संप्रेषण ठीक नहीं होता, विद्यार्थियों तक बहुत अच्छी बात नहीं पहुंच पाती, तो वो ज्ञान बहुत ज्ञानी होकर के भी उतना अच्छा अध्यापक नहीं। विद्यार्थी तक कम्युनिकेशन बहुत आवश्यक है एक प्रकार। तो दूसरा, दूसरे प्रकार के शिक्षक वे होते हैं जिनमें विद्वत्ता चाहे जैसी हो, थोड़ा कम भी हो, पर उनके शिक्षण का संप्रेषण अध्येता पर विशेष रूप से होता है। अर्थात जिनकी बात को एक बार लेक्चर देने तो कभी कभी विद्यार्थी कहते हैं अरे सर आप हमको पढ़ाया करते थे 30 वर्ष पहले मेघदूत, मुझे सब कुछ भूल गया। लेकिन वो मेघदूत की कक्षा कभी नहीं भूलती क्योंकि वो हृदय में उतर गई। ऐसा होता, ऐसे अध्यापक होते हैं तो वो क्या होता है संप्रेषण, वो विद्यार्थी से बिल्कुल उनका मनोविज्ञान रूप से विद्यार्थी के अंदर प्रविष्ट हो जाती है उनकी बुद्धि। तो एक प्रकार के वो हैं, एक प्रकार के ये हैं, विद्वत्ता कम है संप्रेषण कालिदास कहते हैं, पर जिनमें विशिष्ट ज्ञान एवं संप्रेषण दोनों गुण होते हैं वही शिक्षक सारे शिक्षकों में अग्रगण्य होता है, वही सर्वोच्च पदवी पर विराजमान। जिनमें दोनों गुण है, एक और ज्ञान भी हो बहुत अधिक और एक संप्रेषण स्किल कम्युनिकेशन स्किल इसकी हो विद्यार्थियों तक पहुंचने की। तो वो श्लोक है मालविकाग्नि का, श्रेष्ठा क्रिया कस्यचिदात्म संस्था संक्रांतिरण्यस्य विशेष युक्ता यस्यो भयम्, जिसके पास दोनों है, यस्यो भयम् साधु सशिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठा पयेतव्य एव, वही सारे शिक्षकों में नंबर वन पर अग्रगण्य है जैसे राधा कृष्ण। कविवर भवभूत ने उत्तर रामचरित नाटक में आत्रेयी एवं वन देवता के वार्ता प्रसंग में शिक्षक को शिक्षा प्रदान करने की भूमिका का समीचीन रूप से विवेचन किया है कि गुरु क्या करता है। गुरु तो बिल्कुल समान भाव से, समता भाव से, जैसे एक बुद्धिमान छात्र को पढ़ाता है उसी तरह मूर्ख छात्र को भी पढ़ाता है। देखो तो लेक्चर दे रहा होता है, 100 विद्यार्थी बैठे हैं, उनमें से हो सकता है कि ब्रिलियंट विद्यार्थी 20 हों 30 हों 35 हों, बहुत कुछ ओवर ब्रिलियंट हों और कुछ सामान्य हों, मध्यम कोटि के हों, कुछ एकदम मूर्खी हों, लेकिन अध्यापक तो सबको बराबर दे रहा है ना शिक्षा। तो इसलिए ऐसी
स्थिति में गुरु तो समान रूप से देता है, तो वह न तो उन दोनों प्रकार के जो शिष्य हैं उनके ज्ञान में शक्ति बढ़ाता है, ऐसा नहीं करता है, और न घटाता है। जो नहीं समझ पा रहा है लेसन्स को, उसकी शक्ति न तो गुरु घटा रहा है न उसकी शक्ति बढ़ा रहा है। परंतु साथ साथ पढ़ाए जाने पर भी परिणाम में बहुत भेद होता है, क्योंकि एक व्यक्ति फर्स्ट क्लास लाता है, एक टॉप करता है, एक सेकंड क्लास आता है, एक थर्ड क्लास रह जाता है, और एक उससे भी नीचे अनुत्तीर्ण माने जीरो वाला भी होता है। उन्हीं में क्या बढ़िया आज के युग की प्रैक्टिकल बात कही है भगवत ने, तो ये भेद जो होता है, ये भेद जो कहते हैं कि सही बात ये है कि ग्रहण शक्ति पर निर्भर करता है। मणि में तो सब कुछ चमक है, निर्मल मणि का प्रतिबिंब, निर्मल मणि से ही प्रतिबिंब ग्रहण करने में समर्थ होते हैं लोग, मिट्टी के पदार्थ से नहीं। अगर मिट्टी का लौंदा रखा हो तो उसमें तो प्रतिबिंब कभी आएगा ही नहीं, लेकिन मणि एक छोटी सी भी रखी हो तो सारा का सारा प्रतिबिंब ग्रहण कर लेगी। इसलिए जो ब्रिलियंट विद्यार्थी होते हैं वो अध्यापक को बहुत प्रिय होते हैं, और वही आगे चल करके निकलते हैं, अच्छे ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं, ये निश्चित है। विद्यार्थियों में अध्यापक को जो बहुत बुद्धिमान मेधावी विद्यार्थी अधिक प्रिय होते हैं, उनकी सहायता करने में भी आनंद आता है। तो ये कहते हैं भवभूति कि वितरत गुरु, जो मैंने कहा वही संस्कृत में है, वितरत गुरु प्राज्ञ विद्याम यथैव, जैसे प्राज्ञ माने अच्छी बुद्धिमान को, प्राज्ञ विद्याम यथैव तथा जडे, वैसे जड़ में, न तो खलु तयोर ज्ञाने शक्तिम करो त्यपहन्ति वा भवति पुनर भूयान भेदः फलम प्रति तद यथा प्रभवति शुचिर बिंबग्राहे मणिर न मृदादय। मणि जो है कोई वस्तु उसके सामने आया तुरंत उसका प्रतिबिंब ग्रहण करती है मिट्टी का, तो जो जड़ विद्यार्थी है वो मिट्टी के लौंदे की तरह है, वो कुछ नहीं ग्रहण करेगा, लेकिन छोटी सी मणि चमकदार सारे प्रतिबिंब को ग्रहण करेगी। प्रतिष्ठित गद्य कवि बाणभट्ट ने कादंबरी में शुकनासोपदेश के संदर्भ में गुरु के उपदेश की महत्ता बताई है कि गुरु का उपदेश तो मनुष्यों के लिए बिना जल का स्नान है, बिना जल जो उनके सभी मैलों को धो देने में समर्थ है। जैसे सायंकालीन चंद्रमा काले से काले अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही गुरु का उपदेश सारे के सारे गर्भित दोषों को दूर कर देता है। कहते हैं बाणभट्ट कादंबरी में, गुरुपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालनम प्रक्षालनक्षमम अखिल मल प्रक्षालनक्षमम अजलम स्नानम हरति मलिनांधकारमिव दोषजातम प्रदोष समय निशाकरैव गुरुपदेश। इसके बाद पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के आचार्य और कवि, 17वीं शताब्दी के बहुत बड़े आचार्य और कवि, उन्होंने कवि के रूप में भामिनी विलास एक नीति ग्रंथ लिखा, उसके उसमें वो लिखते हैं, ये भी बहुत प्रैक्टिकल बात है जो आज के युग के विद्यार्थी अध्यापक दोनों को जाननी चाहिए, वो ये है कि कभी कभी गुरु बहुत शिष्य पर क्रुद्ध हो जाता है, नाराज हो जाता है, कभी कोई बच्चा ठीक तरह काम नहीं करता या शोर कर रहे हैं या बहुत सी गलतियां होती हैं तो गुरु डांटता है, उसके लिए कहते हैं कि शिष्य पर क्रुद्ध होना गुरु का अधिकार है। क्यों डांटता है गुरु, कभी शिष्य से यदि कोई कठोर वचन बोलते हैं या उन्हें डांटते डपटते हैं
तो इसमें शिष्य का महत्व ही बढ़ता है, शिष्य का घटता नहीं है। जब गुरु डांट दे, और सबसे बड़ी बात कि इसमें शिष्य की भलाई ही छिपी रहती है। कभी कभी एक गुरु की डांट से कोई कोई शिष्य बिगड़े हुए भी सुधर गए, पूरे जीवन में सुधर गए, बहुत बड़े हो गए, और याद करते हैं कि सर आपकी एक डांट ने हमको ऐसा कर दिया, इतना बड़ा बदल दिया। तो इसलिए गुरु की क्रोध भरी वाणी भी कभी कभी शिष्य के जीवन में महत्ता ला देती है, उसको बड़ा बना देती है, उसके कल्याण कर देती है। वस्तुतः कहते हैं, वस्तुतः बिना शान पर कसे गए रत्न कभी राजाओं के मुकुटों में स्थान नहीं पाते। जब तक अच्छी तरह शान पर घिसने दिया जाए वो, और उसकी परीक्षा न हो जाए, ऐसा रत्न कहाँ बड़े राजाओं के सिरों पर रहता है। तो वो गुरु उस तरह का गुरु के डांट फटकार के बीच से निकलना माने शान पर चढ़ने की तरह है। तो कहते हैं, गीर भीर गुरु नाम परुषाक्षर, परुष माने कठोर, कठोर अक्षर वाली वाणियों से गुरु यह डांट ले तो गीर भीर गुरु नाम परुषाक्षरा भी तिरस्कृता यान्ति नरा महत्वम, ऐसे लोग और महत्व को प्राप्त कर जाते हैं। अलब्ध शाणोत्कर्षणा नृपाणाम न जात मौलव मनयो वसंती। हमारी नव घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बहुत बातें उसमें सामने आ रही है। उस नीति में एक पॉइंट है, एक बिंदु है कि शिक्षार्थी को रटंत विद्या से दूर रहने की बात पर बल दिया गया है। विशेष रूप से कुछ थोड़ी चीजें रट करके और वही परीक्षा में आ जाए, विद्यार्थी लिख दे और हो जाए, ये गलत पद्धति है शिक्षा की। लेकिन ये बात तो आज की शिक्षा नीति में कही गई है, लेकिन इसी बात को बहुत पहले संस्कृत के एक मल्टीपर्पज कवि हैं, मतलब उन्होंने कवि भी हैं, आचार्य भी हैं, और कई तरह के काव्य लिखे हैं, बहु क्षेत्रीय कवि कहना चाहिए, क्षेमेन, उन्होंने अनेक काव्य लिखे, उनमें से एक काव्य है उनका दर्प दलन। तो दर्प दलन में उन्होंने कहा है कि ऐसी शिक्षा जो क्रिया या आचरण से रहित हो, अतः आपने किताब पढ़ ली और लिखा है, केवल परीक्षा में आ गया भाई रटा हुआ, वही आ गया, तो ये ब्रिलियंसी नहीं है। क्रिया या आचरण हमें आनी चाहिए, वो आपके में, मैंने आपने ये किसी विषय का अध्ययन किया है तो आपके आचरण में, आपके एक्शन में आना चाहिए। और जो वाचन मात्र से जनों का रंजन करती हो और जिसमें केवल क्रिया या आचरण से रहित हो, ऐसी तोते जैसी रटंत विद्या से क्या लाभ। तो उन्होंने तोते की रटंत विद्या बताया है, जिसका वाच कहते हैं शिवेंद्र, अनुष्ठानेन रहिता पाठ मात्रेन केवलम रंजयत्तेव या लोकम किम तया शुक विद्या। शुक विद्या माने ऐसी तोता रटंत विद्या से क्या लाभ, ऐसी विद्या बेकार है। ये बात तो कही बहुत पहले क्षेमेंद्र ने, लेकिन आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस पॉइंट को दिया गया। कुछ आधुनिक संस्कृत में बहुत साहित्य लिखा जा रहा है, एक आधुनिक संस्कृत नाटक बंगीय प्रतापम में कहा गया है कि वह शिक्षा शिक्षा नहीं होती जो केवल पुस्तक में होती है, वस्तुतः शिक्षा वही है जिसका फल समाज में प्रदर्शित होता है। तो वो लिखा गया है, शिक्षा नशा भवति केवल पुस्तके वा, भाई पुस्तक में लिखा हुआ है और उसका यदि कोई भी प्रयोग समाज के लिए नहीं हो पाया तो लिखा हुआ है क्या लाभ उससे। शिक्षा नशा भवत केवल पुस्तके वा या तो प्रदर्शित फला ननु सहयो विद्या। ये किसी ने वस्तु तो उसको विद्या को पढ़ा, वो चाहे जो विद्या हो, अनेक विद्याएं हैं, कोई भी विद्या हो, उस विद्या को पढ़ करके उसका विधिवत प्रयोग, उसकी प्रैक्टिस,
यदि समाज के कल्याण के लिए हुई है तब वो असली विद्या है, वही शिक्षा। इसी तरह एक और आधुनिक संस्कृत नाटक है शिखा बंधनम, ये चाणक्य के गुरुत्व पर लिखा गया है शिखा बंधनम। इसमें गुरु शिष्य परंपरा और गुरु शिष्य का पारस्परिक संबंध क्या है इस विषय में कहा गया है कि विद्यादान से गुरु प्रशंसा पाता है और शिष्य उस विद्या के ग्रहण से, क्योंकि दोनों में एक ग्रहण करने एक दान करने वाला है, गुरु विद्या का दान करता है तभी उसको प्रशंसा मिलती है। यदि हम बहुत कुछ जाने और विद्यार्थियों को कुछ न दे पाए तो एक शिक्षक के रूप में हमने वेतन तो लिया लेकिन हमारा शिक्षक के रूप में जीवन बेकार। यदि हमने कुछ विद्यार्थियों का जीवन बना दिया शिक्षा देकर के तब हमारी सार्थकता है। तो इसलिए ये शिष्यों का यदि विद्यादान होता है शिष्यों को तभी गुरु प्रशंसा पाता है और शिष्य जो है विद्या के सही सही ग्रहण से प्रशंसा पाता है। विद्यादान हो रहा है ग्रहण नहीं हो रहा है तो दूसरा पक्ष दुर्बल है तो वो विद्यार्थी अच्छा नहीं निकलेगा। तो शिष्यों की उन्नति गुरु से होती है और गुरु की उन्नति शिष्यों से होती है। विद्यादानात् गुरु श्लाघ्य शिष्यस्तद् ग्रहणात् तथा शिष्याणां गुरुणा वृद्धि गुरो शिष्यै सतां मतम्। ये पारस्परिक है कि गुरु की महत्ता शिष्य से बढ़ती है और शिष्य की महत्ता गुरु से बढ़ती है। और देखिए ये भी एक हमारे यहाँ की उक्ति है संस्कृत की कि सर्वतः जय मन विच्छेद शिष्यात् पुत्रात् पराजयम्। आप सारी दुनिया से विजय की आकांक्षा करें, सब पर विजय प्राप्त करें और करना चाहें तो अवश्य ही करें, परंतु केवल दो ऐसे हैं जिनसे विजय नहीं पराजय अच्छी लगती है, अर्थात शिष्यात् पुत्रात्, एक अपने शिष्य से और एक अपने पुत्र से। यदि अपना शिष्य हमसे बहुत ऊंचा निकल गया हो तो गुरु की प्रसन्नता का कोई पार नहीं, कोई ठिकाना नहीं होता। गुरु की बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि गुरु ही ऊंचा बढ़ाना। और हम जहाँ थे जहाँ भी हैं यदि अपना पुत्र उससे बहुत ऊंचा पद पा जाता है तब भी पिता माता के लिए बहुत ऊंची बात है, ये बहुत उनके लिए जीवन के लिए प्रसन्नता की बात है। तो इन दो से पराजित होना बहुत अच्छा है। हम लोग अध्यापकों को अपने शिष्यों से पराजित होने में आनंद है और जब जब पराजित होते हैं तब तब हमारा आनंद बढ़ता है। इसलिए सर्वतः जय मन विच्छेद शिष्यात् पुत्रात् पराजय, ये संस्कृत के सूक्त वाक्य हैं जो जीवन जो वीर रत्न की तरह हैं, लेकिन इनका ध्यान दिया जाए तो इनमें बहुत सार है जीवन का भरा हुआ। एक गुरु और शिष्य के मध्य संबंध की अनेक कथाएं संस्कृत में प्रचलित हैं, परंतु एक कथा वर्तन्त गुरु वर्तन्त और शिष्य कौत्स की कथा को बड़े रोचक ढंग से कालिदास ने अपने रघुवंश नामक महाकाव्य में दिया है। अर्थात एक कौत्स नाम का शिष्य जब उसकी विद्या समाप्त हो जाती है तो विद्या समाप्त के बाद वो अपने गुरु वर्तन्त से कहता है कि मैं इतने वर्ष तक आपसे पढ़ा, कुछ न कोई कोई न कोई वो गुरु दक्षिणा तो होनी चाहिए, ये एक स्वाभाविक होता है। अच्छा जो देने वाला है वो आश्रम में रह रहा है, उस गुरु के तो शिष्य के बाद कुछ होता नहीं है, वो अपने पिता माता के पास भी नहीं होता है, वो क्या दे पाएगा गुरु को, इसलिए कभी गुरु कुछ लेता नहीं है। परंतु संयोग से ऐसा हो गया कि कौत्स कुछ ज्यादा भावना में भावावेश में आ गया और गुरु से हट पड़ गया। गुरु ने कहा अरे तुमने जो मेरे प्रति श्रद्धा और जो भक्ति रखी है यही तुम्हारी गुरुदक्षिणा है, जाओ और तुम सुखी रहो जीवन में आगे। लेकिन वो कौत्स थोड़ा हट पड़ गया, आग्रह करने लगा कि नहीं नहीं गुरु जी कुछ दक्षिणा। गुरु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि भाई बहुत ज्यादा अच्छा, तुमको मैंने 14 विद्याएं सिखाई हैं तो ठीक है तुम देना ही चाहते हो, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मुझे दो। ऐसी कथा उसमें आती है और कौत्स एकदम मतलब प्रभ घबरा जाता है, गरीब गुरु ने अब कैसे उसको पूरा किया जाए,
14 करोड़ इसमें 1 करोड़ क्या एक स्वर्ण मुद्रा लेनी है, ऐसा विद्यार्थी कहाँ से लाए? तो वो राजा रघु के पास जाता है। देखिए रघु ऐसा बड़ा विश्वजीत यज्ञ कर चुके हैं कि सारी अपनी धन संपत्ति समृद्ध उसमें गंवा चुके। स्वयं रघु अब वो बड़े संकोच करता है क्या मांगे, तो पूछता है कि आप बोलिए तो सही आप किस लिए आए हैं क्या। तब वो कथा को बताता है गुरु की। तब वहाँ से वो ऊपर प्रार्थना करता है, कुबेर धन वर्षा करता है, उसमें 14 करोड़ नहीं जान कितने करोड़ स्वर्ण मुद्राएं आती हैं। और रघु कहता है कि ये 14 करोड़ नहीं, जितनी स्वर्ण मुद्राएं सब आप भेजा। ये कौच कहता है कि नहीं, मुझे केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं क्योंकि गुरु को देना है, उनकी बात पूरी करनी है, मुझे उसके बाद एक स्वर्ण मुद्रा भी नहीं चाहिए। आजकल होता शिष्य तो दो चार करोड़ तो पहले अपने रख लेता, अपने घर पहुँचाता, अपने संबंधियों को देता और बाद में गुरु को पहुँचाता है ना पहुँचाता। परंतु ये बड़े एक कथा आती है तो फिर वो 14 करोड़ मुद्राएं सिद्ध करके ले जाता है। ये कथा एक आती है, माता पिता को अपने पुत्र या पुत्री को पढ़ाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, ये बात आज के युग में कही जाती है, लेकिन कितना पहले हमारे यहाँ के ग्रंथों में इसको कहा गया। इसके लिए माता पिता ही बच्चों की पढ़ाई के लिए माता पिता ही उत्तरदायी हैं। आज के इस प्रासंगिक तथ्य को चाणक्य शतकम में कहा गया है। चाणक्य शतकम में कहा गया है, एक चाणक्य नीति दर्पण, एक चाणक्य शतकम है, एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य बहुत बड़ा गुरु था, तो इसलिए उसमें कहा गया है कि वे माता पिता बालक के वैरी हैं। वो माता बालक की शत्रु है, पिता वैरी है, जिन्होंने उसको पढ़ाया नहीं, पढ़ने लिखने की प्रेरणा नहीं दी, आगे नहीं बढ़ाया, ऐसे माता पिता होते हुए भी बालक के वो शत्रु है। ऐसा बच्चा कभी यदि किसी सभा सोसाइटी में पहुंच जाता है तो वो तो मूर्ख रह गया, पढ़ा नहीं, और किसी अच्छी सभा में पहुंच गया या कुछ विद्वान हैं तो उनके बीच में वह उसी तरह शोभित नहीं होता जैसे हंसों के बीच में बगुला। ये कहते हैं चाणक्य शतक में, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जिसने इस विद्यार्थी जीवन के, अब मैं विद्यार्थियों को कह रहा हूं ये बात, जरा विद्यार्थी ध्यान से सुने, जिसने इस विद्यार्थी जीवन के स्वर्णिम काल का सदुपयोग नहीं किया, जो पढ़ाई लिखाई को छोड़ किसी दुर्व्यसन में फंस गया, उसका तो जीवन ही नष्ट हो गया। समय निकल जाने पर उसके अभिभावकों को उसी तरह पश्चाताप होता है। जब एक बार ये स्वर्णिम समय निकल गया तो अभिभावकों को उसी तरह पश्चाताप होता है जिस तरह हितोपदेश ग्रंथ है, संस्कृत का एक कथा काव्य है, जंतु कथा काव्य। हितोपदेश में सुदर्शन नाम का एक राजा है और राजा के सारे पुत्र बड़े ही कुमारगामी हैं, उन्मारगामी हैं, बिगड़ गए, बिगड़े बाप के बच्चे कहते हैं ना, बिगड़े बाप के बिगड़े बच्चे हो। उन पुत्रों को देख करके बहुत उसको कष्ट हुआ कि मैं अपने बच्चों को संभाल नहीं पाया और आज वो बिल्कुल मेरे हाथ से निकल गए हैं। तो वो कहता है, हाय हाय मेरे बेटे, तुमने इतनी अच्छी पिछली बीती हुई रातों में एक अक्षर भी पढ़ाई नहीं की। ऐसा लग रहा है जैसे आजकल का ही कोई माँ बाप बोल रहा हो, तुमने पिछली बीती हुई जो अच्छी रातें थी भाई, पढ़ने वाली रातें थी, उनमें तुमने एक अक्षर भी पढ़ाई नहीं की, इसलिए अब तुम इन विद्वानों के बीच में पढ़ करके उसी तरह छटपटा रहे हो जैसे किसी कीचड़ में फंस करके कोई गाय छटपटाती है, कोई गाय जैसे कीचड़ में फंस के निकल नहीं पाती छटपटाती है, उसी तरह तुम भी विद्वानों की सभा में जा करके छटपटा रहे हो। तो कहता है, राजा के मुंह से कहलवाया गया है, हा हा पुत्रक हे मेरे बेटे, हा पुत्रक नाधीतम सुगतई दासो रात्रिषु,
तेन त्वं विदुषां मध्ये पंके गौरव सीदसी। वस्तुतः विद्यार्थी का जीवन एक त्याग तपस्या नियम अनुशासन एवं अध्यवसाय का जीवन है। पांच चीजें कही मैंने, त्याग तपस्या नियम अनुशासन एवं अध्यवसाय का जीवन है। विद्यार्थी जीवन विलासिता से परे साधना का जीवन है। कहा गया है सुखार्थी को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ, दोनों विपरीत हैं। सुखार्थी को विद्या कहाँ और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थी बनना है तो विद्या को छोड़ दें और विद्यार्थी बनना है तो सुख को छोड़ दें। सुख का मतलब है बहुत आनंद विलासिता। देखिए ये कहा गया है, ये संस्कृत के ही सूक्त वाक्य हैं। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। हमारी परंपरा में एक आदर्श विद्यार्थी के पांच लक्षण हैं। जरा विद्यार्थी सुने कि हमारी परंपरा में एक आदर्श विद्यार्थी के पांच लक्षण बताए गए हैं। क्या क्या? विद्यार्थी में कौए जैसी चेष्टा होनी चाहिए। कौआ जब किसी चीज को देखता है ना, चेष्टा, काप चेष्टा, कौए जैसी चेष्टा होनी चाहिए। उसके अंदर ध्यान बगुले जैसा होना चाहिए। बगुला जब अपने शिकार को पकड़ता है ना, दुनिया की कोई और चीज नहीं देखता है। जब पढ़ता है विद्यार्थी, कल परीक्षा है तो बस एक, उसके अतिरिक्त कुछ न ध्यान आए। और उसकी नींद कुत्ते जैसी होनी चाहिए, गहरी नींद नहीं, कुत्ते जैसी होनी चाहिए। तुरंत कोई कहे कि भाई उठो, चार बज गए तो नींद, उसे हल्का या स्वल्प मात्रा में भोजन करना चाहिए, भोजन की आदत होनी चाहिए। और पांचवी बात, उसे घर का त्याग कर, घर में नहीं, घर का त्याग कर आश्रम आदि में रहना चाहिए। काक चेष्टा, यही पांचों का लक्षण संस्कृत में है। काक चेष्टा बकत ध्यानम, बगले सा ध्यान, और श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी, कम खाना। अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, ये पांच लक्षणों वाला ही विद्यार्थी विद्यार्थी होता है। जरा आप लोग घटित करके देखेंगे, आप लोगों में से पांच लक्षणों में से कौन कौन से घटित होते हैं। जहां तक हम प्राचीन भारतीय शिक्षा के इन मूलभूत मंत्रों को आधुनिक नवीन शिक्षा व्यवस्था में देखने की बात सोचते हैं तो युग परिवर्तनानुसार बहुत अंतर दिखाई पड़ता है। विद्या, विनय, विवेक, ज्ञान, अनुशासन, चरित्र निर्माण जैसे शब्द अपना मूल अर्थ खोते हुए से दिखते हैं। भौतिकवादिता, राजनीति, पक्षपात, व्यसन, प्रलोभन और चरित्र क्षरण जैसे दुर्गुण शिक्षा पर हावी हो गए। इसी पतन से शिक्षा की रक्षा हेतु नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय अध्ययन एवं संस्कृत शिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। प्राचीन भारत में संस्कृत शिक्षा ने भारत को विश्व गुरु के उच्च आसन पर बैठाया। मनुस्मृति में इस बात की स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि इस देश के अग्रजन्मा विद्वान शिक्षकों के चरणों में बैठकर ही विश्व मानव ने अपना अपना चरित्र सीखा। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशा दग्र जन्मन स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानव मनुस्मृति। अतः सिद्ध है कि भारत को विश्व गुरु की उच्चतम पदवी दिलाने तथा विश्व क्षितिज पर भारत की ज्ञान मेधा का सूर्योदय कराने के पीछे
हमारी पूरी गुरु परंपरा ही है। बृहस्पति, शुक्राचार्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि, व्यास, द्रोणाचार्य, सांदीपने, चाणक्य, समर्थ गुरु रामदास, गुरु नानक देव, स्वामी राम तीर्थ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, संगमित्रा और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे उदात्त शिक्षकों एवं इंद्र, बलि, राम, कृष्ण, लव, कुश, अर्जुन, चंद्रगुप्त, शिवाजी, विवेकानंद जैसे शिष्यों ने भारत को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया। आज आधुनिक युग में समग्र विश्व में भारतीय विद्या, संस्कृत वाङ्मय, योग, आयुर्वेद, रामायण एवं गीता के व्यापक प्रसार के कारण शनै शनै भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होता जा रहा है। ये विविध देशों की यात्रा कर मैंने स्वयं अनुभव किया, क्योंकि मैं एक संस्कृत शिक्षक के ही रूप में विदेशों में गया। संस्कृत के कारण, योग के कारण, आयुर्वेद के कारण और भारतीय दर्शन के कारण और सबसे बड़ी बात रामायण महाभारत, रामायण और गीता, श्रीमद् भगवद् गीता, इन दो के कारण पूरे विश्व में भारत की, भारत का जो सांस्कृतिक महत्व है वो बहुत अधिक हुआ है। हम जब भी गए विदेशों में हम गुरु बन करके गए। ये अलग बात है कि हमने वहाँ कंप्यूटर सीख लिया, हमने भी कुछ सीखा, हम भी मानते उन नई विद्या उनसे हमने सीखी, लेकिन क्यों गए? क्योंकि संस्कृत विद्या हमारी है, हमारे पास है, तो उसका उपदेश देने, हम गीता पढ़ाने या रामायण पढ़ाने या और संस्कृत के अन्य ग्रंथों को पढ़ाने के लिए विश्व के, ऐसा नहीं है संपूर्ण देशों में, सर्वत्र है, ऐसा नहीं है, विश्वविद्यालयों में है, बड़े बड़े संस्थानों में है, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स में संस्कृत का वो स्थान है, और बड़े बड़े जो विद्वान हैं जो उसमें लगे हुए हैं उनका शोध अनुसंधान कार्य में संस्कृत से संबंधित वो हैं, और बड़े गीता सेंटर पूरे विश्व में, श्रीमद् भगवद गीता, पूरे रामायण, ये दोनों पूरे विश्व में भारत का प्रसार किया है। तो एक जैसे लगता है कि फिर से चक्र घूम रहा है, और हम अपने स्वानुभव के आधार पर कह सकते हैं कि फिर से भारत धीरे धीरे उसी विश्व गुरुत्व के पर भी जो उन्मुख हो रहा है। तो आज के शिक्षा शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं यही कामना करता हूँ कि ये भारत फिर से नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत आए और उसमें ये पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो। Thank you so much, sir. I'd like to invite Dr. Mahindra Guha. Dr. Guha, sir. Please kindly give the closing remarks. Namaskar. आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर हिंदी दिवस का आयोजन हुआ वेब मंच पर। आदरणीय आज के हमारे अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर हरिदास शर्मा जी, प्राचार्य महोदया और सभी हमारे प्राध्यापक मित्र, आप सभी का अभिवादन करते हुए मैं सबसे पहले तो आज का जो नैतिक उद्बोधन प्रोफेसर शर्मा जी का हुआ है, हम बहुत लाभान्वित हुए। उन्होंने संस्कृत के तमाम ग्रंथों, विविध विद्वानों के द्वारा जो अपनी बात कही और शिक्षण, शिक्षा, शिक्षण और शिक्षार्थी पर अपने सुंदर वक्तव्य रखे, तर्कों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा संस्कृत के
तमाम श्लोकों के और सूक्तियों के द्वारा उन्होंने सिद्ध किया, वाकई काबिले तारीफ वक्तव्य रहा। मित्रों, हिंदी में भी कुछ ऐसी ही बातें कही गई हैं, जैसे कबीर ने गुरु और शिष्य के संबंधों के बारे में बताया था। हालांकि कबीर तो लिखे पढ़े नहीं थे, लेकिन गुरु कौन है, शिष्य कौन है, उनकी बातें बड़े करीने से रखी थी और बताया था कि गुरु का जो स्थान है, महत्व है, ब्रह्म से बड़ा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये गुरु की महत्ता के संदर्भ में कहा, लेकिन कौन गुरु, अब शिक्षण कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, इस पर भी उन्होंने विचार किया और तर्क रखा कि जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निशंग, अंधे अंध्या ठेलिया, दोन्यो कूप पड़ंत। प्रकाशमान होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा ज्ञान नहीं मिलेगा जो सचमुच अज्ञानी हो। महाज्ञानी होना जरूरी है, क्योंकि अभी प्रोफेसर शर्मा जी ने बताया, सा विद्याया विमुक्तये, विद्या मुक्ति के सारे उपादानों को तय करती है। विद्या ही है जो अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। उन्होंने कई सारे उदाहरण दिए, शिक्षा संस्कृति का उपादान है, शिक्षा संस्कार की जननी है, और विद्या मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करती है। ये कई सारे उन्होंने सूक्ति वाक्य दिए हमें। हमारे यहाँ राष्ट्रपिता गांधी ने भी शिक्षण क्या है, शिक्षा क्या है, दोनों पर बात किया था और कहा था, एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट, माइंड बॉडी एंड सोल। अभी शर्मा जी ने बताया आचार्यों की परिभाषा में, आचार्य कौन है, जो सर्व प्रकार से विकास करता हो, केवल किताबी ज्ञान हासिल कर लेने से कोई विद्यार्थी नहीं होता और कोई आचार्य नहीं होता। किताबी ज्ञान देना भी आचार्यत्व नहीं है, सर्व शिक्षण देना आवश्यक है। यही तो महात्मा गांधी जी ने कहा, माइंड बॉडी एंड सोल सबका विकास हो। और मैं यही एक पाश्चात्य विद्वान अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो कहा था, उनकी भी एक परिभाषा बता दूं। उन्होंने क्या कहा था, इट इज द सुप्रीम आर्ट ऑफ द टीचर टू अवेकन जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। क्रिएटिव होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, और ये चीजें हैं जो क्रिएटिव हैं हमारे जीवन में। हमारे सभी विद्वानों ने, चाहे हिंदी के हों, संस्कृत के हों, शिक्षा शिक्षणार्थी और शिक्षण चीजों शिक्षण पर अपनी बातें रखी हैं। आज शिक्षकों का दायित्व पहले की अपेक्षा ज्यादा बड़ा है, बढ़ गया है, क्योंकि जिस माहौल में आज की दुनिया जी रही है वो संकट का दौर है, और यहां से कोई निकाल सकता है तो वो शिक्षक ही है। और बिना शिक्षकों के, कर्तव्य परायणता के, बिना उनके उत्तरदायित्व के भारत का विश्वगुरु बनना असंभव है। विश्वगुरु बनना है, हमारे शिक्षकों को ये उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा। मैं शर्मा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, इतना सुंदर वक्तव्य शिक्षा पर, शिक्षण पर और शिक्षणार्थी पर जिन्होंने प्रस्तुत किया, हम आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और जो यंग टीचर्स हैं उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक था आप, जिस तरीके से आपने डिफरेंस समझाया वेस्टर्न कल्चर, जो आपने उदाहरण दिए है कि कैसे रामायण एंड महाभारत विश्व में एक्नॉलेज किए जाते हैं कि दे आर द बिगेस्ट बुक्स ऑफ नॉलेज, एंड हमारे बच्चों को इनका ज्ञात होना बहुत ज्यादा जरूरी है। So thank you so much for this enriching experience. I would like to present one of our alumni, Samreen Sheikh. She has sent me a PowerPoint. So please.
enjoy this. Thank you, Samreen, for sending this to us. Thank you so much. Yes, we do have some alumni which they would have to join in and speak, but I would want to to your notice. The alumni is present. Ma'am. Can we just proceed one by one? Sure. Yeah. Sure. Okay. Thank you so much, everybody. Thank you, Vidya ma'am. Thank you, Professor H.D. Sharma. Thank you, Mahindra sir and Meru ma'am. For the wonderful event. And now we are having our alumni association members, or you can say ki hamare yahan jo pad chuke hain hamare bacche wo aaj yahan pe bolne wale hain. To har ek department mein se kuch bacche bolne wale hain. To pehle main commerce department ko invite karti hoon. I first call upon Samreen Sheikh. I hope you are there. Samreen Sheikh, Geeta, if due to any technical reason we can just So the next from Hello, from good afternoon, yes good afternoon Samreen. Yeah good afternoon to everyone and happy Teachers Day. Just wanted to thanks to Principal Ma'am, Vidya Ma'am, Geeta Ma'am, Ekta Ma'am for supporting me and motivating me for what I am doing and showing me the right way to learn and to do whatever we are doing to do with honesty. I thanks Principal Ma'am also. I remember the day on 29th day we have a parents meeting. On that day, I went to her office with my mom. Then she talked with her and you know what? Because of certain reasons, she unhone meri thodi fees maaf ki thi. And after that, she called my mom and, you know, she gave a chocolate to my mom. I feel so proud that day. My mom was so happy, you know, that she's so sweet. Principal ma'am was so sweet. She talked with a familiar person. And I also thanks to Vidya ma'am also. She supported me a lot. And Geeta ma'am also. Both of them supported me a lot by financial support also and motivation also. Thanks to Ekta ma'am also and Jashri ma'am. Thank you so much, Samreen, for your kind words. Now we have Roshni Rawat from Commerce Department, that is PG Commerce. She is the student who passed out her PG in 2019. Yeah, Roshni, welcome you. I would first of all like to greet everyone. Good evening, respected sir and ma'am. Myself, Roshni Rawat here. And I passed out from our college in the year 2019 after completing my master's in commerce. For me, this was not just a college, but also my second home. I started my journey with this college around 8 years ago. That was in 2012. So basically, I've been in this college for past 7 years. I'd like to thank Deepa ma'am for allotting me in this college during my admission time
Thank you so much, ma'am. And not just that, I would also like to thank the college for giving me this opportunity to be a part of them, for meeting with all different people, interacting with all kind of people. And especially would like to thank all my professors for where I stand today. I would have been here if they would not have been around me, guiding me, supporting me and counseling me, encouraging me, being my backbone, and especially for making me who I am and always being telling me that, no, don't give up. You can do and you will always do it in your life. So I'm so happy and so grateful that I had professors in my life who would always encourage us and motivate us. They would not easily let us down or let us give up on anything, but they had always been a backbone to us. Like our parents, basically teachers don't hold our hand and teach us to work, but rather they do mold us in our life that somewhere, somehow, that we may be someone who we are today. I'm thankful to all my teachers who have instilled in me my confidence, my self-belief and courage to dream and to go after it. I cannot thank enough for what they have done for me, but yes, surely one day I will be someone who I want to be and I will prove it to them. Thank you so much, especially Jayashree ma'am and Ekta ma'am from our PG department, and to all the professors who have been out there, wishing everyone a happy and a blessed Teacher's Day. Thank you so much, Roshni. Thank you so much for sharing your experience with us. Now, further, we have Mamta Gaur from History Department, PG History. So, I welcome you, Mamta Gaur. Hello. Mera naam Mamta Gaur. Hello. Yes, Mamta, yes. I'm audible, ma'am. Yes, you're audible, dear. Sabhi Shikshak Gano ko mera pranam. मेरा नाम ममता रामदास गौड़ है. मैं एमए सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ. आज मैं शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी के साथ अपने मन की कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ, जो हमेशा से ही मेरे साथ मेरी यादों से जुड़ी हुई हैं. इस बीच यदि मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो कृपया मुझे क्षमा करने का कष्ट करें. सर्वप्रथम मैं अपने महाविद्यालय श्री एम बी शाह महिला कॉलेज की कृतज्ञ हूँ तथा अपने महोदय प्रधानाचार्य जी डॉक्टर दीपा शर्मा जी की भी मैं कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मुझे इस महाविद्यालय में पढ़ने का शुभ अवसर प्रदान किया तथा हर बार मुझे सपोर्ट किया और मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाया. इस महाविद्यालय से मैं पिछले 7 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ. इस महाविद्यालय में मुझे अच्छे अध्यापक और अध्यापिका मिले, जिन्होंने हमेशा ही मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे मोटिवेट किया, मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाया और हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, जैसे कि डॉक्टर मेरुप्रभा मिश्रा मिस, डॉक्टर रंजना मिस तथा मनोज मिश्रा सर और रेखा मिस. ऐसे कई अध्यापक हैं जिन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया, इन्होंने हमेशा मुझे इंक्रेज किया, हर जगह मुझे मोटिवेट किया. मैं कभी भी किसी भी जगह जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करती थी अदर कॉलेज में, तो डॉक्टर मेरुप्रभा मिस ने मुझे मेरा नाम मतलब दिया रिसर्च पेपर में, और मैं नानावटी कॉलेज में हम लोग का मतलब पूरा टीम गया हुआ था, तो वहाँ पर भी मैम हमारे साथ थी. हम लोग 4 लोग थे जहाँ पर हमने फर्स्ट प्राइज पेपर प्रेजेंटेशन में हमें फर्स्ट प्राइज मिला था. वहाँ पे भी मिस ने हमारा साथ दिया, हमेशा हमें मोटिवेट करती रही, और जहाँ तक की है मैम ने हमेशा हमें अपने बच्चों की तरह लाड प्यार दिया. तो इसके लिए मैं सभी अध्यापक और अध्यापिकाओं का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ. धन्यवाद. थैंक यू ममता. थैंक यू. धन्यवाद आपका. नेक्स्ट आई कॉल अपॉन पूजा यादव अगेन फ्रॉम हिस्ट्री डिपार्टमेंट. या हेलो मैम. Yes, hello. आप सभी सर टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे. मेरा नाम पूजा है. मैं तो इस कॉलेज में ज्यादा टाइम तक तो नहीं रही, सिर्फ 2 साल ही मैंने एमए किया है इस कॉलेज से, लेकिन ये 2 साल में मैंने बहुत सारी यादें इकट्ठा किया है अपने साथ. जैसे कि हमारे जो सब्जेक्ट टीचर्स थे डॉक्टर मेरुप्रभा मिश्रा, डॉक्टर सुहासिनी जवलेकर मैम, मैंने इन्हीं दोनों मैम से पढ़ा है, क्योंकि मैंने बीकॉम किसी और कॉलेज से किया है, लेकिन मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, तो मैंने एसएनडीटी का नाम सुना था कि हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी कॉलेज है, तो मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया. एडमिशन के वक्त थोड़ी मुझे इश्यूज हुए थे, क्योंकि मुझे गैप भी हो गया था 1 साल का, तो मुझे एकता मैम ने अच्छे से मुझे कन्विंस किया और उन्होंने बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका हो जाएगा,
कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। तो मुझे एडमिशन भी इस कॉलेज में मिला, तो 2 साल में मुझे जो मैंने यहाँ पे सीखा, मुझे नहीं लगता मैंने पिछले अपने 5 सालों में सीखा था। जैसे कि ये मुझे ये 2 साल में एकदम फैमिली की तरह सपोर्ट मिला। जैसे कुछ कुछ अगर अपनी पर्सनल इश्यूज अगर हम मैम से शेयर कर देते तो वो एकदम एक कहते ना मदर की तरह बताना, वो उस तरह से हमें इंकरेज करती थी। और मैंने यहाँ पे लीडरशिप सीखा, और जो मैंने प्रेजेंटेशन जैसे हमें हिचकिचाहट होती थी देने में, तो यहाँ पे आने के बाद हमें वो सीखने को मिला। जैसे और भी ऐसे ऐसे थे जो कि हम लाइफ में कभी हम किसी को फेस नहीं कर सकते, तो वो 2 साल में मैम लोगों ने हमें इतना इंकरेज किया कि हम किसी भी कॉलेज में जाके कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कोई भी टॉपिक पे हमें अगर बोलना है तो हम बोल सकते हैं बिना हिचकिचाहट के। तो ये 2 सालों में मैंने सीखा है यहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ऐसा भूल कभी ये नहीं कर सकती कि नहीं, मैंने 2 साल में इतना कुछ सीखा जो कि मैंने कभी पहले नहीं सीखा था। तो मैं सारे मैम सर टीचर्स का बहुत आभारी हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये 2 सालों में। मैं कह नहीं सकती कि मतलब इतना कि कभी किसी और कॉलेज में मैं रहती तो मुझे इतना सपोर्ट मिलता। और यहाँ पे अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो तो वो भी मैम सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे किसी भी मैम सर टीचर से अगर कुछ हेल्प के लिए जाओ तो वो कभी ना नहीं करते हैं, कैसे भी करके करते हैं लेकिन वो करते हैं, कभी आपको निराशा नहीं होने देते। ये मैंने यहाँ पे देखा है। थैंक यू मैम। थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच। अभी हम हिंदी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। I call upon Preeti Mishra from Hindi department. Thank you, ma'am. Yeah, Preeti. यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकों को मेरा अभिनंदन। मैं इस कॉलेज में पिछले 5 साल से रही हूँ। मैंने यहाँ से अपना ग्रेजुएशन भी किया और मैंने यहाँ पे अपना PG भी कंप्लीट किया। अगर आगे और कुछ भी पढ़ाई होती तो मैं यहीं से करती, क्योंकि यहाँ घर वाली फीलिंग आती है। कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि मेरी अगर कोई परेशानी है तो उसे कोई भी शिक्षक दूर नहीं करेंगे, चाहे वो मेरे डिपार्टमेंट के हो या किसी और भी डिपार्टमेंट के हो। मैं अगर उनके पास अपनी परेशानियों को लेकर जाती थी तो वो मेरी ज़रूर हेल्प करते थे। यहाँ पर टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सभी आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आते हैं। आज तक मैंने कभी भी किसी भी नॉन टीचिंग स्टाफ को आप पर चिल्लाते या गुस्सा करते नहीं देखा है। मेरा यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मैं यहाँ पे एक जब आई थी तो बहुत डरी सहमी सी लड़की थी, और आज मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया है कि मैं कहीं पे भी खड़ी होकर बोल सकती हूँ। इसके मैं महेंद्र सर को सबसे ज्यादा धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ग्रेजुएशन में ये हौसला दिया था कि तुम बोल सकती हो और तुम कंपटीशन में पार्ट ले सकती हो। जिसके कारण मैं सेकंड ईयर में जब थी तो मुझे वाद विवाद प्रतियोगिता में सेकंड प्राइज मिला था युवा महोत्सव में, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं ये कर सकती थी। धीरे धीरे आकर जब मैं PG डिपार्टमेंट में आई तो मेरी कलाओं को और निखारा गया, चाहे वो प्रतिभा मैम हो और रीना सिन्हा मिस हो, बहुत सारे लोग हैं ऐसे चंपा मिस जो हैं, जो भी हैं उन्होंने हमेशा हमें मोटिवेट किया कि बेटा तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसलिए मैं इन सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी हैं अपने इन सभी शिक्षकों के लिए, तो मैं आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ कि झूले से लेकर शमशान तक ज्ञान का निरंतर विकास होता है, लेकिन जिनके आने से जीवन का पुनरुत्थान होता है, व्यक्ति में ज्ञान की शाखाओं का निर्माण होता है। मेरी इस कलम को भी चलना उन्हीं ने सिखाया है, राह में आई परेशानियों को ज्ञान द्वारा दूर करना सिखाया है। कुछ ने लिखना पढ़ना सिखाया है तो कुछ ने विचार शक्ति तीव्र बनाई है, किसी ने यथार्थ के पथ पर चलना सिखाया है तो किसी ने आधुनिक दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित करना सिखाया है। ऐसे मेरे प्यारे शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद मिस। थैंक यू सो मच पूजा, प्रीति मिश्रा सॉरी। नाउ आई कॉल अपॉन मीनू पाल फ्रॉम हिंदी डिपार्टमेंट। यस यस मीनू, ओके, इट सीम्स मीनू इज हैविंग सम नेटवर्क इशू। Meru ma'am, just check with Menu. Yeah. By the time we will call upon Harsha from economics. मेरा नाम मीनू हूँ, पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों। Yes, Menu. Yeah, yeah. Slow, slow. Yeah, yeah. Yes, Menu. Yeah, continue.
छात्रों को भी आपने दिया स्नेह और प्यार, आपके चरणों में हम करते हैं प्रणाम। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं 2015 से यहाँ पे बीए पास की और 2019 में मेरा एमए कंप्लीट हुआ। 2015 में मुझे गोल्ड मेडल मिला हिंदी में हाईएस्ट मार्क्स लाने के लिए। इसका श्रेय अगर मैं किसी को देना चाहूंगी तो वो है मेरे महेंद्र गुहा सर और हीरल मिस। मैं कुछ मेमोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी जो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा लगता है, मेरे लाइफ को चेंज करने के लिए था। मैं टीवाई में थी जब मैं क्लास की सीआर बनी थी, तो उस समय पे हमारे कैसे कॉलेज में स्पंदन करके मैगजीन आता था, अभी भी शायद वही नाम होगा, मैगजीन आती होगी। तो उस समय पे क्या हुआ, सर ने सबको बोला आर्टिकल पोएम जो भी आप लिखते हो लिख करके मेरे कैबिन में जमा कीजिए, क्या सीआर को दीजिएगा वो जमा कर देगी। तो मैं सबके आर्टिकल्स और पोएम लिख कर लेके गई सर के पास। सर ने देखा, बोला ठीक है, बोलते हैं तुम्हारा काम है। बोली सर मुझे कहाँ लिखने आता है, मैं कहाँ से लिख सकती हूँ। सर बोले ऐसे कैसे नहीं लिख सकते हो, आप ट्राई तो करो। तो मैंने भी कोशिश किया, पोयम लिखा, और सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है कि मुझे उसी पोयम पे पहला प्राइज स्वरचित कविता के लिए मिला। इसके लिए मैं महेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और हीरल मिस ने जो हमें लोगों के सामने बोलना कैसे, लोगों के सामने क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, उसके लिए हमेशा हमें प्रोत्साहित किया है। और हमारे पीजी डिपार्टमेंट के सारे अध्यापिकाओं ने, जो भी हमारे सारे अध्यापक अध्यापिका थे, उन्होंने हमेशा हमें बताया कि अगर हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना है तो हमें सबसे पहले बड़ों का सम्मान करते आना चाहिए। तो हमने जो साहित्य से सीखा है, हमें हमेशा महेंद्र सर ने कहा है कि आप लोगों को भले किसी ने कुछ भी बोला, लेकिन आप लोग जीवन में हमेशा याद रखना कि साहित्य हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। तो आप लोग कभी मत निराश होना कि आप लोग हिंदी से पढ़ाई कर रहे हैं। एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग टीवाई में थे तो हमारा यहाँ पे ड्रामा का चल रहा था, ड्रामा में पार्टिसिपेट करना था, स्टेज के नाम पे मतलब हालत खराब, हाँ स्टेज पे हम कैसे क्या करेंगे, बट हमारे महेंद्र सर ने जाओ आप लोग कैसे नहीं कर सकते। फिर हमने जाके किया, वहाँ पे हमें वन एक्ट में भी थर्ड प्राइज मिला और स्ट्रीट प्ले में भी सेकेंड प्राइज मिला। वहां से जाके मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि हाँ मैं भी स्टेज पे जाके कुछ भी कर सकती हूँ। अब मैं पिछले 3 वर्षों से अभी 9वीं और 10वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाते आ रही हूँ, तो ये सब जो मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ है उसके लिए मैं सारे एमडी शाह के सारे प्राध्यापकगण और प्रधानाचार्य महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत बहुत थैंक यू मिस। थैंक यू मीनूपाल। नाउ आई कॉल अपॉन हर्षा फ्रॉम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। Can we have Harsha? Okay. Is there any other student from economics department who would like to share their experience? Okay. Fine. So thank you all the students for sharing your experience and all the teachers over here. Now I hand over to Vidya ma'am for the vote of thanks. Yes, before we go ahead, and as we always say, all good things someday, something has to end for a new beginning. So before we head off to a new beginning, we have with us somebody who's very known to us and very dear to us. I would like to invite Ekta, who has been the coordinator of postgraduate department and has laid a very strong foundation for what it is today. So Ekta, good evening, and I am not going to welcome you at all. You are a family member. So yes, Ekta, please. Ma'am, unmute. Ekta, ma'am, unmute. Yeah. Good evening to all the dignitaries and wishing you a very happy Teacher's Day to whoever is present. This is the first virtual program for Teacher's Day. We are all witnessing it, and it's a different feeling altogether, but I really am feeling as if the program is being conducted in person. So it is completely a different feeling, and Teacher's Day is a very special day, of course, but I would also like to say that it is all day is a teacher day, because whenever a particular student comes to you and say, "Ki miss, today I have become this or I have achieved this," that is the best gift a teacher could ever receive. And any day when you come to know about this particular thing, that your teaching or your
appreciation or your sharp words, your behavior could even impact one single life, you feel that you have done justice to your profession. So yes, listening to Samreen, Preeti, we, Geeta ma'am, Vidya ma'am, everybody would be knowing that we knew Samreen at the start of the course. She used to be so quiet and today I'm feeling so happy that she is the person who could speak. Preeti, everyone, it was pleasure listening to everyone. And yes, of course, teachers are not teachers without their students. So thank you students also for making us so special. And I really thank everyone, Principal ma'am, thank you very much, Vidya ma'am, for conducting this program very nicely. Our guest, Dr. Sharma, and all the teachers of PG department and other teachers from the college also who have helped in making this program a very successful one. And thank you very much. Nice to listen from you, Ekta. And we also have one celebrity guest who is not a guest and our home person, Dr. Ranjana Mishra. Dr. Ranjana, can we just have a few words from you, ma'am? Dr. Ranjana? Dr. Ranjana Mishra? Okay, I think we just lost her connection. And just to propose a formal word of thanks, ye sach hai jo bilkul bhi Ekta ma'am ne bola hai ki teachers tab hai jab aap jaise chhatraye hamare saath hai. Listening to people when you so proudly talk about ki Guha sir ne hamare liye ye kiya and Mishra sir ne ye kiya, Hiral madam ne ye kiya, so we feel so blessed. क्योंकि एक ऐसी संस्था जो कमिटेड है सिर्फ छात्राओं के लिए एंड वी वांट टू गिव अवर बेस्ट टू वुमेन एजुकेशन एंड सोसाइटी एट लार्ज. द कंट्रीब्यूशंस ऑफ टीचर्स एंड स्टॉलवर्ट्स लाइक सर मेरुप्रभा मैम, गीता, एवरीबडी, सुधा शर्मा मैम, चंबा मैम, यू ऑल हैव एनरिच्ड सोसाइटी एंड द सोसाइटी विल बी ऑलवेज इंडेटेड टू यू for whatever you have contributed. Thank you so much. And this program wouldn't have been possible. And in fact, it is a brainchild and idea of Dr. Meruprabha Mishra. She's put in lot of efforts and she is on my head at even night 12 o'clock. Ki ma'am, ye please kar do, ye bach gaya hai, ye kijiye. And surely Mahendra sir, so he's the backbone because sir, ye aapko karna hai. And I don't even have to tell him ki karna hai. He's like, madam, main kar lunga, aap tension mat lo. So thank you to all my teachers, my children, and every one of you. Please continue supporting us. We've just started, and there are many more milestones to go. And I'm sure एक ऐसे आएगा इसमें इन द हिस्ट्री ऑफ एमडीशा की यस द पीजी डिपार्टमेंट विल बी द शाइनिंग ग्लोरी ऑफ द एंटायर इंस्टीट्यूट. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दोस डेज एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड बीइंग सो पेशेंटली विद अस बिकॉज आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड सर इज देयर 11 बजे का प्रोग्राम 1:30 बजे खत्म हुआ एंड अगेन जॉइन बैक एट 2:30 देयर ही हैड टू स्पीक समथिंग अगेन ही टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस इज व्हाट टीचर्स आर दे एक्सेप्ट एवरी चैलेंज ऑनलाइन पढ़ाना इट्स डिफिकल्ट नॉट टेक्नोलॉजिकल चैलेंज. आपके जो प्रश्न 10 साल पहले थे अभी दे आर नो मोर क्वेश्चन. यू हैव डिफरेंट चैलेंजिंग, यू हैव डिफरेंट चैलेंजेस, डिफरेंट क्वेश्चन. सो वी आर गियरिंग अप ईच डे. सो अ टीचर इन थ्रू सेंस इज ऑलवेज अ स्टूडेंट. I'm always learning. So stay blessed, stay home, stay safe, and happy learning. See you very soon in the College for Minds. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Vidya ma'am. Yes, Jeeva. Just want to say one thing ki aaj Teachers Day hai to sare PG ke teachers kya apne ko
मतलब वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? वी कैन एक्चुअली मैं ये बिल्कुल भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूं जी मैम, तो वी कैन सी ईच वन अनदर. यस मैम, हम भी देख लेंगे आप सभी को एक बार. मेरा भी बहुत मन है, स्पेशली एकता मैम को इतने दिनों बाद देखा मैंने. थैंक यू मैम. एकता मैम बहुत कुछ सीखा और विद्या मैम से भी अभी सीख रही हूँ. थैंक यू सो मच मैम. यस, हु एल्स इज देयर? एंड I am so sorry to share this sad news with us that Dr. Rama was not able to join us today. She lost a father in the morning. Condolences to Dr. Rama, and we would just request, Pragya Shukla ma'am, Suhasini is there. Suhasini, I could see you. Yes. चंपा मैम हेलो, कैसी हैं? हेलो, बहुत अच्छी हूँ. टीचर्स डे. थैंक यू, सेम टू यू. और मैम लोग किधर हैं? सुधा मैम, प्रज्ञा मैम, सुहासिनी मैम भी शायद थे. यस, सुहासिनी मैम इज आल्सो देयर. डॉक्टर प्रियंका इज देयर. सो यस, गुड टू सी ऑल ऑफ यू. एंड गीता मैम प्लीज. हैप्पी टीचर्स डे मैम. हैप्पी टीचर्स डे. हैप्पी टीचर्स डे नीलम मैम. आपको भी मैम. हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू. जयश्री मैम, हैप्पी टीचर्स डे. बहुत अच्छा लग रहा है ये. मैं चाहती थी एक्चुअली आज कम से कम इतना तो देख सके ना हम लोग. 5 months हो गए हम लोगों को मिले हुए. We will surely meet very soon in the college premises and we'll have a very good entertaining program. So girls, thank you very much. Teachers, thank you very much for your unending support, for your efforts. Thank you so much. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. राजेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर. आज जी आप कहाँ हैं? समुद्र किनारे हैं कि आ गए हैं होटल वगैरह में, घर पर? हेलो एकता. राजेश सर, सुधा मैम और प्रज्ञा मैम, आप भी कहाँ? हैप्पी टीचर्स डे मैम. हैप्पी टीचर्स डे. एकता बहुत दिन बाद देखी. राजेश सर सुन रहे कि नहीं? बहुत अच्छा लगा देखकर. एकता सुन करके देखकर बहुत अच्छा लगा. राजेश सर अभी होंगे जरूर क्योंकि वो अभी प्रसारण जारी है. राजेश सर म्यूट है जी. और प्रज्ञा मैम और टीचर्स, प्रियंका मैम, सुहासिनी मैम, सब लोग दिख नहीं रहे हैं. सब जुड़े हुए तो दिख रहे हैं. नमस्ते मैम. नमस्ते. हेलो. हाँ प्रियंका मैम, हैप्पी टीचर्स डे. हैप्पी टीचर्स डे मैम. आपको, आप कैसे हो मैम? हाँ मैं भी ठीक हूँ. बहुत अच्छा लगा देख के आज. हाँ सच्ची में अब एक साथ दिख रहे, बहुत अच्छा लग रहा है. और प्रज्ञा मैम लोग थी, पता नहीं शायद क्या लीव कर गए या पता नहीं. हाँ प्रज्ञा मैम थे. स्मिता मैम भी थी. हेलो. हेलो. हाँ स्मिता जी. मैं ऑन कर रही हूँ पता नहीं कैसे ऑन ही नहीं हो रहा है. अरे दीप मत जलाइए, देखिए फिर से ट्राई. हाँ हेलो. कैसे है? बढ़िया. आप लोग? हाँ हम लोग भी ठीक है. Happy Teachers Day. आपको जी, आपको भी विद्या मैम, आपको भी Happy Teachers Day. Happy Teachers Day. महेंद्र सर. हाँ धन्यवाद. मैम सब खुलने के बाद प्लीज एक बार सबका गेट टुगेदर करना. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अभी तो बहुत जरूरत मतलब है इसकी. मतलब एमडी की सारी यादें ताजा हो गई. मैं मतलब अच्छा लग रहा है ना आप बता नहीं बच्चों सकते. प्रीति आप भी अपना वीडियो ऑन कर सकते हो. प्रेमचंद्र ना? प्रेमचंद्र इसने प्रेमचंद का रोल मॉडल में किया था. बहुत अच्छा अभिनय किया था इसने. सब लोग को आपकी, आप सबकी वजह से. सब लोग अपना वीडियो ऑन करो ना, मैं फोटो लेती हूँ. हाँ प्लीज सबका वीडियो ऑन कर लो अभी, जितने भी लोग हैं. मिता मैडम का हो गया. सुधा मैडम कहाँ गए? सुधा मैम वीडियो ऑन कीजिए. आ गई मैं.
सुधा मैडम हाँ प्रज्ञा मैम आप लोग भी वीडियो ऑन कर लीजिए जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर रहे हाँ जयश्री मैम रंजना मैम दिख तो रहे हैं रंजना मैम हेलो मेरे ख्याल से वो रंजना कोई स्टूडेंट है नहीं रंजना नहीं हो सकता है वो रंजना मैडम नहीं है अच्छा, मेरे हिसाब से ये रंजना मिश्रा मुझे लगता है स्टूडेंट है कोई सुनिए जितेन हेलो कहाँ गए विद्या मैडम कहाँ गए विद्या मैम गीता मैडम कहाँ गए बाहर निकल गए क्या हाँ, नहीं शायद ये टू वो वन वन पेज लेफ्ट हो गए सर लेफ्ट हो गए ना नहीं लेफ्ट नहीं हुए होंगे शायद मुझे नहीं पता है हाँ शायद दिख नहीं रहे हैं मुझे चैट में नहीं दिख रहे हैं ठीक है एकता मैम बेबी कैसा है ध्यान बस ठीक है गुड एकता मैम वो कौन को ना फोटो ले रही हूँ जरा सा स्क्रीनशॉट लेती हूँ यस यस हाँ लीजिए हाँ बहुत सही जगह पर आई आप फिर से आओ एकता मैडम वापस चले गए आप नहीं मेरा ऑन ही है मैम है